उधर मतलब लाइक इंडिया तक कैसे पहुंचे, वहां अच्छा, तक तो गाने कैसे गए? मैंने रोग गाना लॉन्च कर दिया, हाँ। माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस आया, बहुत हिट हो गया, लेकिन वो सिर्फ पाकिस्तान की हद तक था। तो शोज भी नहीं मिलते थे क्योंकि एक गाना था, तो एक गाने से आपको ऑर्गेनाइजर बुलाते नहीं है, तो इनकम सोर्स नहीं था मेरा, मेरे लग रहे थे आ नहीं रहे थे। तो 3 साल मुझे और स्ट्रगल करनी पड़ी। फिर मुझे लोगों ने, मेरे जो मैनेजर हैं, अगर वो सुन रहे हैं, डीजे मैक, उनको प्यार से कहते हैं, वैसे उनका नाम मकसूद शाहीन है, सारा के भी मैनेजर हैं। अच्छा। मेरे साथ वो 16 साल से हैं। अच्छा। मेरी स्ट्रगल टाइम से, जब मेरी पेस में शॉप थी। अच्छा। तो वो मुझे अक्सर ये बताते थे कि फलक, एक गाने से बात नहीं बनेगी, हाँ। अगला जो चीज़ देनी है ना आपने, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे आपका करियर फाइनल होगा कि आप आगे जाएंगे कि नहीं जाएंगे, और ऑर्गेनाइजर्स की नज़र में आओगे, प्रमोटर्स की नज़र में आओगे कि कॉन्सर्ट करवाना। खैर मैंने दूसरा गाना किया, वो गाना था मंदियाँ चंगियाँ तेरियाँ में तेरियाँ, एक सूफी कलाम था, उसका भी थोड़ा रिस्पॉन्स अच्छा आया। लेकिन जब मैंने 2010 में जाकर 11 में जाकर इजाज़त गाना किया, हाँ। जिसका इजाज़त उसका नाम था उसके, वो बेसिकली मुझे इंडिया में एक रिकॉर्ड लेबल है टी सीरीज, अच्छा, उनके नोटिस में आ गया वो गाना। तो मुझे आगे कॉल, हाँ। उन्होंने कहा भाई साहब ये गाना हमें चाहिए। तो मैंने कहा गाना एक ही चाहिए, मेरे पास तो बहुत सारे हैं। तो उन्होंने फिर वो हमारी कुछ ऐसा सिस्टम हुआ कि मैं फिर 5 साल रेगुलर 2016 तक मैं इंडिया जाता रहा। 2016 तक मैंने तकरीबन 9 फिल्म्स के गाने वहाँ पर किए, 7 to 9 आई थिंक मैंने गाने वहाँ पे किए, जिसमें वो था मेरा मन, साजना, जुदाई, क्या तुझे अब ये दिल जुनूनियत, यस, काफ़ी, कंगना के लिए और जॉन इब्राहिम टाइप के सिंगर उन मूवीज़ के लिए। लेकिन उसके बाद फिर मैं नहीं पकड़ा गया, फिर मुझे माशाल्लाह लोगों से इतना प्यार मिला, पाकिस्तान में भी, आउट ऑफ कंट्री भी, और पूरी दुनिया में।